दोस्तों एक बार एक मकड़ी अपना एक शानदार और मजबूत जाल बनाना चाहती थी, ताकि बार बार जो हल्के फुल्के जाल बनाती थी वो टूट जाते थे, खराब हो जाते थे और बहुत ही कम उसका भोजन मिल पाता था। वो सोच रही थी कि एक मजबूत जाल बनाऊं अपना और उसी में कीड़े मकोड़े मक्खियां जो भी फंसे काफ़ी लंबे दिनों तक उसके भोजन की जो मात्रा है उस जाल के माध्यम से ही निकल पाए और अपना जीवन यापन कर सके। उसने एक पुराने घर की ओर रुख किया और पुराने घर के दीवार के कोने में अपना एक जाल बनाने का निर्णय लिया और वह जाल बनाने में जुट गई। काफ़ी अच्छी मेहनत और शुरुआत में इतने अथक प्रयास के बावजूद उसने बहुत ही कम समय में आधा जाल तैयार कर लिया। तभी पास में एक बिल्ली दिखी उसे, जो कि उस मकड़ी की ओर देखकर हंस रही थी। वो मक्खी थोड़ा सा गुस्से में आई क्योंकि उसकी ताकत और उसकी मेहनत का मजाक बनाया जा रहा था। उसने उस मकड़ी ने उस बिल्ली से पूछा, आखिर तुम क्यों हंस रही हो मुझे देखकर? तब उस बिल्ली ने कहा कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो कि इस खाली पड़े कमरे के कोने की दीवार में तुम इतना बढ़िया जाल बना रही हो। अगर ये जाल तुम यहाँ बनाओगी तो ये तो काफ़ी साफ सुथरी जगह है और यहाँ कोई भी कीड़े मकोड़े मक्खियाँ नहीं फंसेंगे, तुम व्यर्थ में अपना जाल यहाँ बना रही हो। तब उस मकड़ी ने अपने दिमाग में विचार किया और उसे लगा कि बिल्ली कहीं ना कहीं सही बोल रही है। तब उसने बिल्ली का धन्यवाद किया और वह निकल पड़ी दूसरे जगह की तलाश में। वह मकड़ी इधर उधर देखने लगी कि अब वह वो जाल जो मजबूती से बनाना चाहती थी वो अब किधर बनाए। तभी उसे एक खिड़की की कोने पर जगह दिखाई दी और वह सोचती थी कि मैं खिड़की पर ही अपना ये जाल मजबूती से बना लूँ, ताकि यहीं से जो कीड़े मकोड़े मक्खियाँ आएंगे और इसी में फंस जाएंगे। वह फिर से एक नई शुरुआत के साथ अपनी पूरी मेहनत ताकत उसने झोंक दी और बहुत ही कम समय में वह जाल को आधा उसने फिर से तैयार कर लिया। तभी उस खिड़की पर एक चिड़िया आई और वह उस मकड़ी को देखकर हंसने लगी। वह मकड़ी ने पूछा, तुम क्यों हंस रही हो? तब उस चिड़िया ने उस मकड़ी से कहा कि तुम कितनी पागल हो, तुम कितनी मूर्ख हो, इस खिड़की पर तुम अपना जाल बना रही हो। अरे एक हवा का झोंका तेजी से आएगा और तुम्हें तुम्हारे जाल के साथ उड़ाकर ले जाएगा। तब उस मकड़ी ने विचार किया और उसे उसकी बात सही लगी और उस मकड़ी ने चिड़िया को भी धन्यवाद कहा और निकल पड़ी अगली जगह की तलाश करने के लिए। उसने एक छोटे से कोने में एक अलमारी रखी हुई थी प्लास्टिक की, उस अलमारी में उसने एक जाल बनाने का निर्णय लिया और वह फिर से एक बार अपनी पूरी ताकत के साथ उस जाल को बनाने की कोशिश करने लगी। और जाल बनाते ही बनाते जैसे ही उसने बहुत कुछ काम कंप्लीट कर लिया, तभी एक काकरोच दिखाई दिया और वह भी उसका मजाक उड़ाता हुआ हंस रहा था। तभी मकड़ी ने पूछा कि आखिर तुम क्यों हंस रहे हो, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, तुम्हें मजा लग रहा है क्या? तब उस काकरोच ने कहा, हे मकड़ी तुम कितनी नासमझ हो, तुम इस प्लास्टिक के छोटे से अलमारी में अपना इतना सुंदर जाल बना रही हो। अरे ये प्लास्टिक की अलमारी अभी यहाँ रखी है, कुछ दिनों बाद इसका मालिक एक कबाड़ में फेंक देगा और तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, तुम यहाँ अपनी फालतू की मेहनत बर्बाद कर रही हो। तब उस मकड़ी ने सोचा कि ये बात कहीं ना कहीं सही है और उसने वहाँ से भी अपना आधा अधूरा जाल छोड़ा और निकल पड़ी फिर से नई तलाश की ओर। अब वह पूरे दिन में थक चुकी थी, काफ़ी मेहनत के बाद उसकी भूख भी बढ़ चुकी थी, अब वह परेशान होने लगी। तभी उस मकड़ी ने पास से गुजर रही एक चींटी से मदद मांगते हुए कहा कि मेरी मदद करो। तब उस चींटी ने कहा कि मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि तुम बहुत अच्छे से अपना जाल निर्माण करने की कोशिश करती हो, लेकिन तुम लोगों की बातों में आ जाती हो और अपना काम अधूरा छोड़कर चल देती हो, और जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान और जो भी प्राणी अपनी ये हरकत करता है, लोगों की बातों में आकर अपना काम मंद कर देता है, आखिर में हालत उसकी यही होती है जो अभी तुम्हारी ये हालत है। तुम काफ़ी भूख से परेशान होता काफ़ी परेशान हो चुकी हो, अगर तुम अपनी वही मेहनत एक ही जाले के निर्माण में लगा देती तो अभी तुम्हारा जाल कंप्लीट हो गया होता और तुम इतनी बड़ी समस्या में नहीं फंसी होती। दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। हमारी ज़िंदगी में कुछ इसी प्रकार होता है कि हम अपने एक नए काम की शुरुआत करते हैं, काफ़ी उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद लोगों की कमेंट की वजह से हम अपने उस काम में बहुत ही कम मेहनत करते हैं, बहुत ही कम समय देते हैं और आखिरकार वह काम हमारा असफल हो जाता है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को लोगों के कहने पर कभी मत बंद करें। आपको क्या करना है, आपको कैसे काम करना है, वो आपको सोचना पड़ेगा। और शुरुआत में मैंने जो बात आपको कही ना कि घड़ी तो हर एक इंसान बना लेता है, लेकिन समय इंसान को खुद सुधारना पड़ता है, आपको अपना वक्त खुद सुधारना पड़ेगा। और कहानी से अगर सीख मिली हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कहानी आपको कैसे लगी। मिलते हैं फिर अगले कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।